हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से रविपाल ब्लॉग में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और सुबह का टाइम है और जी अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे काम। तो मैंने बेडशीट वगैरह सेट कर दी है, गर्म बेडशीट डाल दी है और कंबल भी सेट कर दिया है। तो अभी इधर जो है कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि आज ना रात से लाइट नहीं आई और इन्वर्टर था जो डाउन हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा क्या सारा ही अंधेरा हो रहा कमरे में। ये देखिए उस साइड तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी मौसम जो है हमारे यहाँ का एकदम से कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। धुंध चार पाँच दिन से, उस दिन से अमरीश केस से आए ना, तो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। इतनी ज़्यादा हो रही, बहुत मतलब कि 12-2 बजे हल्की तक भी नहीं उतरती और फिर शाम के टाइम आनी शुरू हो जाए। तो अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे। तो हाँ, अर्णिका के जूते यहीं पे रह गए थे कल के, ये गीले हो गए फिर से। बताओ सूखने के लिए रख के दिए और सारे कपड़े तो उतार के ले गई थी लेकिन ये रह गए। देखो इसके ऊपर वाइट वाइट से कैसे कोहरा पड़ रहा, जिसे हम पाला बोलते हैं गांव में। तो पाला पड़ रहा है बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सा, जैसे बर्फ़ पड़ती है इधर उत्तराखंड की साइड। तो यहाँ पे हल्का हल्का सा बारीक बारीक सा पाला पड़ता है, मतलब कि बर्फ बर्फ तो यहाँ तो पड़ ही नहीं सकती। और जी अभी हम आपको बैक कैमरे से दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है। तो सुबह ही ऐसे नहा लिए थे हम भी, अर्णिका को 2 दिन हो गए नहाए, उसे नहलान दे, उसके गर्म पानी का ऐसे कपड़ा सा फेर दिया उसके हाथों पैरों पर को, क्योंकि बच्चा है ठंड हो रही और अर्णिका की तबीयत ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा डाउन है। कल तो हमने वीडियो भी शूट नहीं की क्योंकि उससे ना बुखार आया था बहुत तेज से, कितनी बार दवा दी उतरी नहीं, लेकिन और लेके आए इसके पापा दवाई डॉक्टर से पूछ के। तो उससे आराम है इसे अभी भी, जब जाके थोड़ा सा सुकून मिला और फिर इसी वजह से हमने आज वीडियो की शुरुआत कर दी, वरना कल एक भी मिनट की वीडियो नहीं बनाई बिल्कुल भी। तो चलिए जी अभी पीछे का हाल आप देख ही सकते हैं कैसा हो रखा है। वो देखो ये देखिए कितना कोहरा हुआ है चारों ओर को, और यहाँ पे पड़ोस में नए मकान बनने लग रहे हैं। तो इधर आप देख सकते हो कितना कोहरा है, टावर भी धुंधला सा दिखाई दे रहा, वरना टावर बहुत साफ दिखाई देता है आपको, हल्की हल्की सी बस यह कि परछाई सी दिखाई दे रही। देखो और सुबह शाम के टाइम तक कौवे गुरचल कबूतर इतने ज़्यादा बैठते हैं, बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे। तो अभी बस मैं चलती हूँ नीचे और अर्णिका नीचे जा चुकी है चाचा जी के पास, क्योंकि वो ना सुबह से रो रही कि ई ई ई नीचे जाने के लिए, और नीचे जाते ही मैं जैसे छोड़ गई ऐसे बाय करने लगी, बस उससे ज़्यादातर नीचे ही मन लगे उसका आके। तो चलो जी कोई नहीं, अब सूज उठा लेते हैं अर्णिका के, नीचे ही सूख जाएगी क्योंकि धूप नहीं निकल रही कुछ नहीं, तो फिर यहाँ रख के क्या फ़ायदा। तो जी बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक, अभी बस काम करते हैं और फिर वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो जो हमारा सफ़र था 3-4 दिन का स्टे हुआ है हमारा, तो बहुत अच्छा रहा है। तो इन्हें यहाँ रख देते हैं रूम में ला के, अर्णिका को भी दिखाते हैं कहाँ है क्या कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका रविपाल ब्लॉग में सुबह सुबह। और ये बिस्तर से निकल चुके हैं शेर खान और ये बैठ गए हैं, इसे पहना दिया नया जोड़ा जैकेट कल भी पहनाई थी ये, बहुत अच्छी है इसके, आज हमने पूरा जोड़ा पहना दिया इसे, इसकी स्माइल अलग ही है अच्छा लग रहा है आज का, क्योंकि पिटारा एकदम से ना बड़ा ना छोटा देख लो। अब हम जा रहे हैं नीचे और नीचे हम गए, बाय 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 करो जल्दी जल्दी, सीन लगा दे उसका, बाबा जी के पास चले जा, बची और तैयार हो गए हैं, देख ही रहे हो गए इसने भी कैप पहन ली। तो जाने की तैयारी है ससुराल में, यानी कि मेरी ससुराल मायका अजी जाएगी अपने नन्ना के यहाँ पे, नाना नानी के यहाँ पे है। और आज इसने कोट डाल ही लिया, वैसे सूट के ऊपर डाल रखा, साड़ी के ऊपर डाल दी तो और भी अच्छा रहता, शादी में वहाँ पे टाइम नहीं लगा और ठंड नहीं थी इतनी, अब ठंड यहाँ पे ज्यादा होने लगी है और धूप निकल चुकी है, इसे आना मेरे पास, अब आजा पापा के साथ चला गया। ये ये
ये कभी कुछ करा है, अभी मेरे चारों ओर घूम जाएगी बस, कभी इधर है, ये जाली पीछे, ये जाली इधर, अब ऐसे ही रहेगा हरनी का। चलो हाँ चलो आओ। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं घर, और जी यहाँ पे है जलालाबाद का रोड, बहुत अच्छे रोड बन चुके हैं, और हमें कम से कम 1 घंटा लगा बस जाने में अपने मायके। तो यहाँ पे आ चुके हैं अपने घर। तो हमारे घर से पहले 2 घर पड़ते हैं, सबसे लास्ट में हमारा घर है, उसके बाद में ताऊ जी का घर, ताऊ जी ने हमारे से बाद में बनाए हैं मकान। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे अपने घर, अपने मायके, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो अभी ये अभी हम आ चुके हैं घर, और आ जाओ आप भी, और जी अभी यहाँ पे अर्णिका के पापा है, अर्णिका आंचल के पास है। गाइस यहाँ पे चल रही थी अनुज भैया है ना, जो उनकी शादी की वीडियो, तो ये आंचल है 3 साल पहले, देखो कितनी पतली सी थी, और जी 3.5 साल हो गए शादी को अनुज भैया की, क्योंकि मेरी शादी से 6 महीने पहले हुई थी शादी। तो यहाँ पे ये है रेनू, रेनू भी देखो कितनी पतली सी थी शादी से पहले के, थोड़ी सी ये लाइक पुरानी यादें हैं। तो आगे मैं आऊँगी यहाँ पे, जो ये भात लिया जा रहा है, बुआ जी है जो भात ले रही है, तो यहाँ पे भात लिया जाए। ये देखिए मैं भी कितनी पतली सी थी, और ऐसे लग रहे हैं पता नहीं किसी और का, मम्मी तो एक बार को पहचान भी नहीं पाई, क्योंकि साइड से मैं देख रही थी, मम्मी बोल रही कौन है ये सभी बोल रहे कि चाची तो भूल गई वंदना को, वंदना को, क्योंकि पहले में और अभी में बहुत धरती आसमान का फर्क है। ये देखिए सुबह सुबह अर्णिका खेल रही है अपनी मामा के साथ में, हाँ, और कल हम आए थे इसी गाड़ी में, अर्णिका हाँ ये बाय कर दो, बाय बाय बाय, अब तो बस गोदी बाहर दिखा लो इसे, बाहर जागी है, बाहर जाने की जिद लग रही, बाहर जागी। अभी हम चल दिए हैं, और सुबह से वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि थोड़ा मस्ती टाइम था, बुआ जी भी आ रखी है, हम भी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा वीडियो शूट करने का, आते टाइम भी नहीं हुई और अभी भी नहीं। तो अभी चलते हैं, हरनिका की बोतल ले ली है, इधर मम्मी है, और अभी गाड़ी में जाएंगे बुआ जी और हम साथ में। ठंड हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी दिन में नहीं लगी, क्योंकि दिन में धूप निकला है ना, और रात के टाइम बहुत ज़्यादा लगी। अरे देखो है काले रा कान जी को पैसे, चलो भाई चलो, टोपा ऊपर रख लिया रख लिया था, तो मैंने सब अंदर ही है इसमें, चलो जी। अरे वो जर्सी ले ली अपनी, बाय कर दो भाई, बाय करो भाई, बाय करो भाई, राम राम। गाइस अभी सुबह का टाइम है, और जी कल हम अपने मायके से आ चुके थे, और आने के बाद इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई, बहुत ज्यादा, और जी बुखार और था बहुत तेज से मुझे भी, और अर्णिका के पापा को पता ही नहीं क्या हुआ एकदम से। तो अभी जो है अर्णिका यहाँ पे सो रही है, मम्मी छत पे गई है, धूप में लेट रही है, आंखों में भी जलन हो रही, देखो आंखें भी सूजी सूजी सी हो रही, क्योंकि बुखार की वजह से। तो दवाई भी मैंने ले ली है, तो दवाई लेने के बाद हल्का सा आराम लगा है, और अभी बस मैं यहाँ पे बैठी हूँ। आज हमारी वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है, वीडियो नहीं गई है आप सभी के पास में, थोड़ा लेट आएगी। तो अभी बस मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आराम कर रही थी। अर्णिका को मैंने अभी दूध पिलाया है, क्योंकि सुबह भी उसने कुछ नहीं खाया था, और जी अभी भी सुलाई है पहले से, पहले दूध पिला के सुलाती हूँ मैं, और फिर निप्पल से दूध पिलाती हूँ, तो ऐसे थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन जब ये सोती है ना, जब ये दूध पीती है, वैसे तो बिल्कुल नहीं पीती, क्योंकि इसे निप्पल से पीने की आदत नहीं है ना, और जब हुई थी या छोटी सी थी, जब इसके निप्पल नहीं लगाया गया था, सभी बोल रहे थे कि 6 महीने तक मोम फीड कराना चाहिए, यानी कि मदर फीड कराना चाहिए, तो 6 महीने तक इसे कुछ ऊपर का कुछ नहीं खिलाया, मतलब कि पानी तक भी नहीं पिलाया, दवाई वगैरह होती थी वो तो उसके साथ ही आता है पानी, देखो जो दवाई में डालते हैं। तो अभी बस इसे थोड़ा सा निप्पल से दूध पिलाने की कोशिश करते हैं हम, निप्पल इसके पास 4-5 हो रही, पीती दूध है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन निप्पल 4-5 हो रही इसके पास में,
क्योंकि कोई सी शीशी से पी ले। और ये देखो अभी सॉरी, बिल्कुल बहुत ही मासूम तरीके से अर्णिका के पापा शॉप पे गए हुए हैं, क्योंकि दो दिनों के शॉप पे नहीं जाया जाता, हम अपने मायके गए थे तो फिर काम तो छूटता ही है। देखो हम, मैं गई थी, बुआजी गई थी, अनुज भैया गए थे और हम गए थे। बुआजी ना मिलने के लिए जा रही, बुआजी को काफ़ी टाइम हो गया था घर गए, तो बुआजी बोलने लगी कि चलो वंदना घर तो जा रहे, तुम भी चलो। के मैंने सोचा कि चलो गाड़ी में तो जा रहे, एक रात के लिए हम भी चले जाते हैं। मम्मी भी बोलने लगी अर्णिका की दादी इनकी माँ जी कि चल चले जाओ एक रात के लिए, तो कोई बात नहीं। तो हम ऐसे गए थे, 2-3 बजे से गए थे यहाँ से, और फिर अगले दिन 3-4 बजे तक वापसी आ गए, क्योंकि और वीडियो तो वहाँ पे शूट नहीं कर पाए बिल्कुल भी, क्योंकि मस्ती टाइम था। और लेट सी गए और लेट सी फिर वहाँ से आए, और अर्णिका के पापा सभी भट्टे में घूमने के लिए चले गए थे, तो फिर वीडियो वगैरह शूट भी नहीं, खाने वाने में रखे। कोई बात नहीं, चलो जी फिर कभी जाएंगे जब वीडियो दिखाएंगे आपको। मायके की थोड़ी बहुत है जो हमने 1-2 मिनट की शूट की है, वही आपको हमने दिखा दी है। तो चलिए गाइस अभी अपनी वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको अपने कच्चे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राम राम जी।